कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम कवर किए हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस सेशन पूछा गया ना, उसके हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सेकंड पार्ट को कवर किए हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे जो कि दिसंबर में परीक्षा आयोजित किया गया है दोस्तों। और एनटीपीसी रेलवे से पल पल के अपडेट पाने के लिए संबंधित हमारी सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है और आप लोग जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, केवल रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, ठीक है। देखिए, चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? जो चरक संहिता है वो चिकित्सा किस शास्त्र शाखा से संबंधित है? जी, चार ऑप्शन है जी, उसमें से हो जाएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंधित क्या है? चरक संहिता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खरवेल द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खरवेल द्वारा की गई थी? आपको बताना है अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, कान्होरी गुफाएं, खंडगिरी गुफाएं। जी दोस्तों, खंडगिरी गुफाएं। क्या है? खंडगिरी गुफाओं की खुदाई जो की गई थी राजा खरवेल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? जी, वो है बराह महिर, ठीक है। बराह महिर जो है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? वो तो कौन सा है? अमरकोश, ठीक है। अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है, आपको बताना है। तो ये तो है श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? जो ज्यामिति गणित है, ज्यामिति मैथ, उसके जनक किसे कहा जाता है? वो तो यूक्लिड को कहा जाता है। पाइथागोरस को नहीं कहते हैं, रामानुजन को नहीं कहते हैं, फिबोनाची को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं? यूक्लिड को। अगला क्वेश्चन है कि किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य के राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो वो किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन दो थे, फर्स्ट सेकेंड थे, तो इसमें द्वितीय ने जो चालुक्य राजा के कनौज के जो थे, चालुक्य राजा ने कनौज के राजा को हर्ष को पराजित किया था। तो ये जो पुलकेशिन कहाँ के राजा थे? तो कनौज के राजा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान पर कुच बिहार के एक राजा संगलीदत्त, ठीक है, द्वारा प्रशासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो वो किया गया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। कन्फर्म नहीं डेट होता है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हो सकता है, 8वीं शताब्दी में भी किया हो, 6वीं शताब्दी में भी किया हो, लेकिन 5वीं, 9वीं और 4वीं में नहीं किया है। एक बार फिर से क्वेश्चन, भूटान पर कुच बिहार के एक राजा संगलीदत्त द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राष्ट्रकूट के राजा, कश्मीर के राजा, बिहार के राजा, उड़ीसा के राजा। तो कश्मीर के राजा का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? सातवाहन, पाल, पांड्य, पल्लव। इसमें पाल वंश जो था ना, वो राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था, ठीक है। बाकी सब सातवाहन, पांड्य और पल्लव थे, वो दक्षिण भारत से संबंधित थे। आगे देखिए, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में मौजूद था कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य, ठीक है। अगला, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? जी, अनुराधापुरा, ठीक है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कहाँ थी? अनुराधापुरा थी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व चोल राजाओं में से किस सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से किसे क्या माना जाता है सबसे महान माना जाता है? तो वो कारिकाल को, ठीक है, कारिकाल को सबसे महान माना जाता है। ये देखिए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अब बताइए कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो ये हो जाएगा राजराज, ठीक है, राजराज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गगनकोट चोलमपुर मंदिर का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने गगनकोट चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो ये किया था राजेंद्र चोल प्रथम ने, ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था दोस्तों। और अगला क्वेश्चन फिर आगे एक वीडियो में कवर करेंगे, इसमें देख लीजिए कि जो एनटीपीसी का जो होता है ना, उसमें CVT 1 में होता है 40 जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 होता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस का उसमें 40 भूमिका है, उसमें से इतिहास के क्वेश्चन कैसे भी नहीं आएंगे ना, तो 5 से 6 आएंगे। और मेरिट में 5 से 6 नंबर लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, दस मोलों में इधर उधर आप मेरिट से छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।